इस रोड से लाखों लोगों का आवागमन रोज होता है और तीन जिला को ये NH जोड़ती है। देखिएगा, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आप नालंदा चले जाइएगा, आप बगल में नालंदा है नदी उस पार करके, पटना से नालंदा आप जाइएगा ना, दो दो फोर लेन हाईवे, एक कंप्लीट हो गया, दूसरा बन रहा है। नालंदा के किसी रास्ता से निकल जाइएगा तो आप पटना आराम से पहुंच जाइएगा, इतना आसान, इतना वहां पे सुविधाजनक बना दिया गया रोड। तो हमारे जनप्रतिनिधि यहां क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी अपने क्षेत्र में रोड बना ले रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र में तीन तीन जो सांसद है, तीनों केंद्र में मंत्री है, एक कैबिनेट मंत्री है, दो राज्य मंत्री है, इन लोगों का निकम्मेपन की वजह से ये चीज़ नहीं होता, जीत के जाते हैं और दिल्ली में ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि क्षेत्र की जनता का क्या हाल है। आप ये बिहार में, पूरे बिहार में घूम लीजिए, इतना अच्छा रोड का सिचुएशन हो गया, लेकिन ये रोड क्यों नहीं आखिर आज तक बन रहा है। अभी देखिए मनीष पासवान जी आए हैं पटना से चलकर यहाँ पर, और राष्ट्रीय दलित संगठन के और जिग्नेश मेवानी के संगठन से बिलोंग करते हैं, तो हम बात करेंगे। मनीष जी, आप वहाँ से चलकर यहाँ पर आए हैं, कैसे यह जानकारी आपको? देखिए, ये जो रोड है NH 122B, ये हमारे भी इंटरेस्ट का, हमारे भी वैशाली जिला में घर पड़ता है, हम लोग को बराबर इस रोड से बेगूसराय या फिर कहीं जाते हैं तो आना जाना रहता है। तो इस रोड से लाखों लोगों का आवागमन रोज होता है और तीन जिला को ये NH जोड़ती है। तो आप देखिएगा, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आप नालंदा चले जाइएगा, आप बगल में नालंदा है नदी उस पार करके, पटना से नालंदा आप जाइएगा ना, दो दो फोर लेन हाईवे, एक कंप्लीट हो गया, दूसरा बन रहा है। अब नालंदा के किसी रास्ता से निकल जाइएगा तो आप पटना आराम से पहुंच जाइएगा, इतना आसान, इतना वहां पे सुविधाजनक बना दिया गया रोड। तो दुर्भाग्य की बात है, हमारे जनप्रतिनिधि यहां क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी अपने क्षेत्र में रोड बना ले रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र में तीन तीन जो सांसद है, तीनों केंद्र में मंत्री है, एक कैबिनेट मंत्री है, दो राज्य मंत्री है, इन लोगों का निकम्मेपन की वजह से ये चीज़ नहीं होता, ये लोग जीत के जाते हैं और दिल्ली में ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि क्षेत्र की जनता का क्या हाल है। आप ये बिहार में, पूरे बिहार में घूम लीजिए, इतना अच्छा रोड का सिचुएशन हो गया, लेकिन ये रोड क्यों नहीं आखिर आज तक बन रहा है। और आप देखिए कि इस रोड में कई बार हमने देखा है कि दोनों तरफ से दो गाड़ी आ गई तो वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, रास्ता पूरा जाम लग जाता है, हजारों एक्सीडेंट हुआ होगा। तो इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो करें, नहीं तो आने वाले समय में उनको जवाब तगड़ा दिया जाएगा। और हम लोग लगातार जो मोहद्दी नगर के सुजीत भगत जी हैं, राममोहन राय जी हैं, मुकेश सिंह जी हैं और संतोष, ये तमाम लोग जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग भी पटना से आके और हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे, जब तक ये रोड नहीं बन जाती है तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले ही बात किया जाए तो नित्यानंद राय जी पूरा बिहार भ्रमण कर रहे थे, चर्चा उस समय था कि जब जदयू से बीजेपी अलग होगी तो नित्यानंद राय बिहार के फेस होंगे, फिर जब फेस कैसे होंगे जब अपने ही क्षेत्र का वह सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। देखिए, यही बात है, अभी नित्यानंद राय जी गुजरात में वोट मांगने जा रहे हैं, उनके क्षेत्र में क्या हाल है, उन्होंने, आप बताइए कि 2014 में जब घोषणा हो गई कि ये NH बनेगा तो आज कितना साल हो गया, 8 साल हो गया, 8 साल में ये NH नहीं बन पाया है, कितना दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे ये निकम्मे लोग हैं, ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है जनता से, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा, नित्यानंद राय जैसे लोगों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि उनको अगर थोड़ा सा भी हम लोगों की और यहाँ की जनता का फिक्र होता तो वो इस रोड को बनवाते, क्योंकि और पूरे बिहार में सारे जगह रोड बन रहा है, हाईवे, कितना हाईवे बन गया, आप जाके देख लीजिए, आपको हम नालंदा का उदाहरण दिए, कभी जाके देख लीजिए कि कितना अच्छा रोड है और यहाँ का कितना मतलब घटिया रोड है, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ यहाँ पर जब हम घूमते हैं तो लोगों का ये मानना है कि सड़क बनेगी, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बनना स्टार्ट होगा, ताकि ये मैसेज दिया जाए 2024 में जब चुनाव होगा लोकसभा, उसके लिए मैसेज देने की कोशिश। अरे भैया, 2022 हो गया, इसमें अभी काम लगेगा तो 2024 तक कंप्लीट होगा रोड, एक दिन में थोड़ी रोड बन जाता है, ये सब राजनीति के लिए ये लोग केवल घोषणा करते हैं और लोगों का और जनता का वोट लेना चाहते हैं, उस हिसाब से ही ये लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे और वैशाली जिला में भी हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि वैशाली जिला में भी अब लवापुर के बाद इधर सिंगल रोड है और बहुत समस्या होती है, तो हम लोग वैशाली जिला में भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग
तन मन धन से सुजीत भगत जी के साथ है और यहाँ ये जो आंदोलन में और भी लोग शामिल हैं उन लोगों के साथ है। अभी आज SDO साहब भी आए थे और उनकी बात नागवार गुजी सुजीत भगत जी को कैसे आप देखिए SDO साहब क्या है, उनको तो भेजा गया कि भाई मतलब जाके आप सिचुएशन को हैंडल कर लीजिए। इन लोगों का कोई इनका मतलब जो ऑथेंटिक पदाधिकारी है NHI का काम है कहाँ तक काम गया है, जो पदाधिकारी हैं मतलब जिनके अंदर ये जवाबदेही है जिम्मेदारी है वो लोग आए तो ये SDO साहब को क्या है, वो तो ऐसे ही उनको भेजा गया वो आ गए। चलिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।